हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने सोलन का दौरा किया। सोलन पहुंचने पर उनका बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यहां पर उन्होंने जिला सोलन अस्पताल के विस्तारीकरण के लिए नई जमीन का निरीक्षण किया, वहीं लोगों को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और जिला अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य अधिकारियों को मंत्री विपिन सिंह परमार ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और 108 आपातकाल सेवा के कार्यालय का निरीक्षण किया और कार्यालय में पहुंच रही आपातकाल फोन कॉल को भी सुना और संदेश दिया कि 108 आपातकाल सेवा पहले की तरह कार्य कर रही है। अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि सोलन का अस्पताल शहर के बीचोंबीच स्थित है, जहां जाम के लगने की वजह से रोगियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और न ही अस्पताल के पास पार्किंग की सुविधा है, इसीलिए अस्पताल को खुली जगह में शिफ्ट किया जाना अति आवश्यक है। इसीलिए अस्पताल के निर्माण के लिए 3 स्थानों का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि सोलन अस्पताल में जल्द ही डॉक्टरों को तैनात किया जाएगा और डॉक्टरों की कमी नहीं होने दी जाएगी। हाँ, इस समय वर्तमान अस्पताल की लोकेशन है वो काफी कंजेस्टेड है। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब भारी बोझ वजन को सहन करने के लिए वो अस्पताल योग्य नहीं है। इसलिए जनता की आवाज, कुछ प्रतिनिधियों के विचार के अनुसार हमने ये फैसला किया और आज यहां पर जो हमारा जिला प्रशासन है, जिलाधीश महोदय हैं, उन्होंने हमें कुछ जगह बताई है कि ये उपयुक्त हो सकता है। और जहां पर हम खड़े हैं, लगभग ये 100 बीघा जमीन है और 100 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद जब हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि यहां पर अत्याधुनिक बढ़िया अस्पताल हम बनाएंगे। कुछ ऐसे भी है। जो अस्पताल है वो जितना वजन सहन कर सकता है उसके अनुसार यहाँ पर 200 बिस्तरे लगाए गए हैं। जितना यहाँ पर बाई पद थे उसके अनुसार डॉक्टर भरे गए हैं। जितना पैरामेडिक स्टाफ है उसके अनुरूप हमने वो पद भरे हैं। पर अब अगर आने वाले इस अस्पताल के विस्तार की अगर हम बात सोचते हैं, इसीलिए शहर से हट करके इस अस्पताल के भूमि का चयन हो रहा है।